नमस्कार जी, आप सबको प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ Unacademy NEET लाइव डेली क्लासेस. सो मैं आपका चैट पढ़ रहा था, बहुत बच्चे लिख रहे थे कि आज हम सर का वार्म वेलकम करेंगे. सर्वेश जी, पुनीता जी, और पुनीता ये भी कह रही थी कि भाई आज तो सर सबका नाम लेंगे. एक अजीब एक्साइटमेंट रहती है आप लोगों में जब आपका नाम पुकारा जाता है और जब मैं आपको लाइव नजर आता हूँ यहाँ पे. Really nice to see your messages. So we have Wahid, Yukta, Prerna, Bedbyas, Rajaram, Rahul, Faizan, Ramesh, Prerna, Rishikesh, Dolly, Sarthak, Jyoti, Sunil, Azu, Sachin Sharma, Anshul. Great ji, Punita Kumari pyar bhare dono haath jod ke namaskar bhej rahi hain. So bhai meri taraf se bhi aapko pyar bhara namaskar. Deepavali ka tyohar mana karke ab aap wapas laute hain aur bhaiya dooj ka tyohar bhi mana karke wapas laute hain. Chhat puja ki taiyariyan bhi chal rahi hongi, right? हाँ जी, और कौन कौन जुड़ा है देखते हैं. योगेश जी बहुत खुश हो रहे हैं. बनी कनीज, हाँ बिल्कुल जी, मुझे भी उतनी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके. बुशरा, हाउ आर यू, कितने दिनों से नाम नहीं लिया था मैंने आप लोगों का, है ना. कोमल, जयेश, रमेश, वाहिद, शिवांगी, सबीहा, राहुल कुमार, दामिनी, ज्योति, गिरीश, खुशी साहिब, मेघा, अभिमन्यु, सुमित. मैं गिनते गिनते शायद थक जाऊंगा कितने बच्चे जुड़ चुके हैं इस समय हमारे साथ लाइव. दैट्स रियली वंडरफुल. आप सबका तहे दिल से प्यार भरा स्वागत है. जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाया क्षमा कीजिएगा, बीच बीच में मैं स्क्रीन पर नजर डालता रहूंगा और आपका नाम जरूर लूंगा अगर आपको इससे तहे दिल से खुशी होती है. सो डेफिनेटली ठीक है जी, मैं ये जरूर कर दूंगा आपके लिए. बहुत दिनों से हमने ये रिचुअल, ये रस्म नहीं करी थी, तो आज इसे जरूर निभाएंगे. ठीक है राहुल जी, 186 दिन रह गए हैं, राहुल जी कह रहे हैं. सर्वेश कैसे हैं आप, प्रभात, डिम्पल, राजेश, हुडा, नैतिक, अजय, दुर्गेश, वंडरफुल जी, सब राजा बेटा एंड राजा बेटी आ चुके हैं. दैट्स रियली नाइस. और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, एनर्जी की फ्लो शुरू में ही हो जाना चाहिए. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. बड़ा ही टेक्निकल और थोड़ा मुश्किल भी लगता है बच्चों को. आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना सिंपल तरीके से ये टॉपिक समझा सकूं वो मैं कर पाऊं. कुछ ब्यूटीफुल एनिमेशंस भी हैं मेरे पास आज के लिए, इस लेक्चर के लिए. सो जुड़े रहिएगा. और जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी से उन्हें लेक्चर का लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें. ठीक है जी. सबीहा, राजेश, अनुराग, रश्मि, डॉली, विपुल, राजेश, होमा, नेहा, नैतिक, सर्वेश, आई एम फाइन, एकदम बढ़िया, राइट जी. चलिए, सो आई एम योर ओन डॉक्टर सचिन कपूर विद नियरली 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. आपके प्यार के सदके आज हम यहां आपके सामने खड़े हैं और Unacademy का ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है. और आपके लिए भी हमारे दिल से यही दुआ है कि आपको अपनी मंशा में, अपनी मनोकामना जो है आपकी, आपका मकसद जो है वो जल्दी से पूरा हो. चलिए जी, Unacademy का प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर लीजिए. इसमें नए बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, नवंबर का भी बैच शुरू हो चुका है, राइट जी. सो एक्सप्लोर करना है, बहुत जरूरी है. और Unacademy प्लस के प्लेटफॉर्म पे आप अपने एजुकेटर्स को फॉलो भी कर सकते हैं. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नमो सर को, अश्वनी सर को, महेंद्र सर को, और डायरेक्टली मैसेजेस भी कर सकते हैं आप वहां पे, राइट बेटा. चलिए, ये जो एनिमेशन आपको पीछे दिख रहा है ये दिखाया गया है कि न्यूरॉन्स किस प्रकार कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक सिंगल न्यूरॉन में, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में किस तरह से इंपल्स ट्रांसमिशन होता है, माइलिनेटेड में कैसे होता है, और दो न्यूरॉन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं साइनेप्सिस के जरिए. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी हो सकते हैं, केमिकल साइनेप्सिस भी हो सकते हैं. ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. बिल्कुल जी अभिमन्यु, इवन आई एम सो एक्साइटेड. बिल्कुल सार्थक कह रहे प्लस, सच में ही प्लस है. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है. tinyurl.com/neetlivechat जब आप अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं ज्वाइन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा और आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे. मैं आपको फिर से बता देता हूं बेटा, नवंबर का बैच शुरू हो चुका है. आप देख पा रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ यहां पे ये लिखा है नवंबर, राइट. ड्रॉपर बैच में, ये ड्रॉपर्स वाली कैटेगरी में नवंबर का बैच है. आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें हम बायोमोलिक्यूल्स शुरू करने जा रहे हैं. आप देख सकते हैं इसे
प्लस के प्लेटफॉर्म पे, राइट बेटा जी। इसके अलावा और भी एजुकेटर्स हैं जिनके बैचेस वहां पे चल रहे हैं। अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है। उसके बाद आप प्लस वाले सेक्शन में जाएंगे, प्लस वाले सेक्शन में यू विल बी सिलेक्टिंग फॉर नीट, एंड देन जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इसमें नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा। ये कोड हमारी टीम के लिए, आप टीम की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। आपको टोटल फी में इसमें डिस्काउंट मिलता है और ये पॉकेट फ्रेंडली है आपके लिए, राइट। कोटेशन क्या है आज मेरे पास आपके लिए प्यारी सी, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि कदम उठाओ, एक कदम तो आगे बढ़ाओ। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं नवंबर का बैच शुरू हो चुका है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं आज की अपनी इस मेन कहानी पे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से आप देखना चाहूंगा स्क्रीन पे और कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं। संयोगिनी युक्ता, अनुष, राजाराम, डिंपल, नैन्सी, मुकेश, किशन पांडे, वेदव्यास, कुणाल, वाहिद, प्रिया पांडे, पुनीता, उमर, कुणाल, शानू, मोनीश, हिमांशु, ग्रेट जी, वंडरफुल। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज अपना ये बेहतरीन टॉपिक, दैट इज नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। यहां पे जो एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं, आपको एकदम चमचमाते हुए दीपावली के सितारों की तरह लग रहे हैं, एक्चुअल में ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हैं इट इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। येलो कलर से जो आपको दिख रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड्स दिख रहे हैं। यहां पे एक्सटीरियर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये सेल के अंदर का हिस्सा है, दैट इज साइटोसोल। ये जो आपको चैनल्स दिख रहे हैं ना अलग अलग तरह के, इन्हीं के जरिए आयंस का एक्सचेंज होता है। कुछ सिलेक्टेड आयंस जो है अंदर आ पाएंगे एक्सोन में, और कुछ सिलेक्टेड आयंस बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जो एक्सोलेमा है वो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, वो इंसुलेटर का काम करती है। किसी भी चीज को अगर उस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसके लिए विशेष प्रकार के आयन चैनल्स होने चाहिए। ये आपको सोडियम पोटेशियम पंप दिख रहा है जो तीन सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है, दो पोटेशियम आयंस को अंदर लाता है। तो इस सारी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई एश्योर यू कि आपको बहुत मजा आने वाला है, राइट कोमल जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं मेरे राजा बेटा। सो सबसे पहले समझते हैं नर्व इंपल्स क्या है, नर्व इंपल्स से मतलब क्या है। जब आप एक एक्सॉन को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलस शब्द का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वह बदलाव, वो चेंज मैकेनिकल, केमिकल, कुछ भी हो सकता है। शरीर में कुछ सेल्स एक्साइटेबल सेल्स हैं, मसल सेल्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, ये एक्साइटेबल सेल्स हैं। एक्साइटेबल का मतलब होता है कि जब आप उस सेल को कोई स्टिमुलस देते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है उस चीज को। स्टिमुलस की वैल्यू थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस व्हिच इज कैपेबल ऑफ जेनरेटिंग अ रिस्पॉन्स। आप यहां पे इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि एक सेंसरी रिसेप्टर पर कोई स्टिमुलस मिला है, सेंसरी न्यूरॉन ने उसे परसीव करा। यहां पे हमने स्टिमुलस क्या दिखा दिया कि जैसे मान लो किसी गर्म चीज पे हाथ लग गया है और हाथ हम फटाफट उठा लेते हैं, है ना। ये मैंने आपको रिफ्लेक्स सेक्शंस में भी बताया था। सो सेंसरी न्यूरॉन, ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, आप देख पा रहे हैं, ये मैसेज लेके आया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इंटर न्यूरॉन तक मैसेज गया, मोटर न्यूरॉन तक मैसेज गया और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा। सो यही नर्व इंपल्स जो है, इट इज अ वेव ऑफ बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिक changes which occur in a nerve fiber in response to a stimulus. Stimulus का मतलब किसी प्रकार का बदलाव external environment में। जब वह nerve impulse propagate होती है along the nerve fiber, it is called transmission, right? So nerve impulse क्या है सबसे पहले? It is the sum total of various biochemical and electrical changes which are occurring in a nerve fiber in response to a stimulus. Okay? और जब ये propagate हो रही है उस axon के through, जैसे अगर मैं simplified way में एक neuron दिखाऊं आपको, neuron के cell body, dendrites, और एक लंबा सा extension जो हम यहां पे देख पा रहे हैं, this is axon. So हमने यही देखना है कि cell body से ये आगे axon में किस प्रकार travel करती है, राइट जी। नाउ यहां पे हमने टर्म यूज करा ट्रांसमिशन। कई बुक्स में आप देखेंगे प्रोपेगेशन लिखा होता है, नर्व इंपल्स प्रोपेगेशन। मैं आपको प्रोपेगेशन एंड ट्रांसमिशन शब्द में अंतर बता दूं बेटा। देखिए
प्रोपेगेशन का मतलब होता है सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया सिग्नल नहीं जा रहा। आप समझे मेरी बात? एक्सॉन के एक छोटे हिस्से में, सपोज ये एक्सॉन है, इतने छोटे हिस्से में होने वाले बदलाव, सोडियम पोटेशियम की एंट्री एग्जिट, वही चीज तो एक्सॉन के अगले छोटे हिस्से में रिपीट हो रही है। सो द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज रिपीटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्सॉन, इसलिए प्रोपेगेशन कह देते हैं कि भाई वही बात तो बार बार हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, वही चीज फैलाई जा रही है, इसलिए प्रोपेगेशन वर्ड यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ जी ये बात? ट्रांसमिशन में तो ये भी हो सकता है कि जैसे हम कहें कि दूरदर्शन का सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो हर बार कोई नई चीज भी तो आ सकती है ना वहां से। सो वो ट्रांसमिशन वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है। सो अगर हमें प्रेफर करना हो, टेक्निकली सही कहना हो, तो हम कह सकते हैं नर्व इंपल्स प्रोपेगेशन। क्लियर हुआ जी इतना आपको? बताइए बेटा जी जल्दी से। जोयेश, अवधेश, वेदव्यास, रुपेश, खुशी, ऋषिकेश, युक्ता, अंकित, कोमल, नैतिक, क्लियर है जी? मुस्कान, आपस में चैटिंग नहीं करेंगे, मेरी बात पे ध्यान देंगे। नर्व इंपल्स प्रोपेगेशन शब्द समझ आया आपको कि प्रोपेगेशन क्यों कहना है? बिकॉज द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज बीइंग रिपीटेड, तो हम प्रोपेगेशन कह देते हैं। राइट मेरे राजा बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हमने पढ़ना है अक्रॉस एक्सॉन एंड अक्रॉस साइनैप्स। साइनैप्स इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, दोनों पढ़ेंगे। एक्सॉन में हमने दो प्रकार का इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ना है। अगर तो माइलिन शीथ नहीं है राइट, तो हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, और अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। सो वी विल डिस्कस नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अनमाइलिनेटेड एक्सॉन और द नॉन मेडुलेटेड एक्सॉन एज वेल एज माइलिनेटेड एक्सॉन, दोनों में इंपल्स ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? चलिए पहले हम इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें एक न्यूरॉन के बारे में जानते हैं। एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए राइट? और फिर हम जानेंगे कि जो एक्सोलेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन है, उसके अंदर कितने अलग अलग तरह के आयन चैनल्स होते हैं। बिकॉज जो आयन्स का एक्सचेंज होना है, सोडियम की एंट्री, पोटाशियम का एग्जिट, ये एक्सोलेमा के थ्रू स्पेसिफिक तरह के आयन चैनल्स के थ्रू होगा। चैनल शब्द का मतलब क्या है ये भी जानेंगे हम राइट जी? चलिए देखते हैं। इधर पहले मैं एक न्यूरॉन का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर क्विकली आपको रिवाइज करा दूं। एनिमल टिश्यूज में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आप एनिमल टिश्यूज के लेक्चर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये है सेल बॉडी, न्यूरॉन का सेल बॉडी। सभी न्यूरॉन्स देखने में ऐसे नहीं होते। देर आर न्यूरॉन्स विच आर एपोलर, देर आर न्यूरॉन्स विच आर बाइपोलर, देर आर न्यूरॉन्स विच आर स्यूडो यूनिपोलर। ये जो आपको दिख रहा है ये एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन दिख रहा है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी से बहुत सारी एक्सटेंशंस निकलती हैं, डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा एक्सटेंशन भी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। सो आप देखिए, ये रहा सेल बॉडी, ये रही इसकी बहुत अलग अलग डेंड्राइट्स, इट्स रिटन डेंड्राइटिक ब्रांचेस, निसल्स, ग्रेन्यूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, आरएनए पार्टिकल्स हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स के कारण ही एक न्यूरोन में ग्रे कलर आता है। जब आप ब्रेन की बात करते हैं ना, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सो दैट ग्रे मैटर इज बिकॉज ऑफ निसल्स ग्रेन्यूल्स और द टाइग्रॉइड बॉडीज। व्हाइट मैटर की वजह क्या होती है? माइलिन शीथ। व्हाइट मैटर इज बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। सो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है न्यूरॉन का, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, ये डेंड्राइट्स आपको दिख रही हैं, न्यूरोफिलामेंट्स हैं, गॉल्जी अपरेटस है, जहां से एक्सॉन शुरू हो रहा है। शुरुआत के उस हिस्से को कहते हैं बेटा जी एक्सॉन हिलॉक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगर जोन। ये न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है। अब ये ध्यान रखना जरूरी है, यहां पे नर्व इंपल्स की शुरुआत एक्सॉन हिलॉक से होगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एक्सॉन या न्यूरॉन, सो आपका जवाब होगा द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सॉन हिलॉक।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगर जोन. कई बार ये भी पूछ लेते हैं विच इज द डिसीजन मेकिंग साइट. डिसीजन निर्णय कहां पे लिया जाता है एक न्यूरॉन में कि इंपल्स ओरिजिनेट होगी या नहीं होगी. देन अगेन इट इज एक्सॉन हिलॉक. आगे जाके हम पढ़ेंगे कंसेप्ट समेशन की, जो ग्रेडेड पोटेंशियल्स हैं उनका समेशन, उनका एडिशन कहां पे होता है. सो वहां पे आपको समझाया जाएगा कि समेशन ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल्स. थोड़ी देर में ही आप समझ जाएंगे कि ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है. समेशन ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल्स अकर एट एक्सॉन हिलॉक. एक्सॉन हिलॉक पर ही डेंड्राइट्स में जेनरेट होने वाले ग्रेडेड पोटेंशियल्स सब आपस में ऐड होकर के एक्शन पोटेंशियल बन जाते हैं. जब हल्का फुल्का डेविएशन होता है ना डेंड्राइट के पोटेंशियल में तो वो ग्रेडेड पोटेंशियल कहलाता है. अभी आप डरिए मत इस टर्म से, थोड़ी देर बाद ही क्लियर हो जाएगा ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है. शायद आप में से कुछ लोगों ने पहली बार ये चीज सुनी होगी. ठीक है जी, आगे बढ़े. शैलेश, अनिमेश, सचिन शर्मा, वेदव्यास, युक्ता, अमिता, राजाराम, ग्रेट जी, 300 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. दैट्स रियली नाइस. सुनो बेटा, एक्सॉन हिलॉक के बारे में आपने याद कर लिया. इट इज द डिसीजन मेकिंग साइट. इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन. यहां से एक्सॉन शुरू हो गया. एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज एक्सोलेमा. ये एक्सॉन आगे जाके कई ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है. एक्सॉन की लेटरल ब्रांच भी हो सकती, कोलेटरल कहते हैं उसे. और ये जो टर्मिनल एंडिंग्स हैं ये टीलोडेंड्रिया कहलाते हैं. राइट, हमने ये जानना है कि इस एक्सॉन में किस प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट हो रही है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. उसके लिए जरूरी था न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर बताना. अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे इस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं दिखाई गई है. शॉन सेल्स नहीं दिखाए ना. शॉन सेल्स या न्यूरोलेमोसाइट्स जो होते हैं वो माइलिन शीथ बनाते हैं. यहां पे हमें शॉन सेल्स नजर नहीं आ रहे, हमने हटा दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एक्सोलेमा क्या है. राइट, सो इसका मतलब है ये जो डायग्राम है ये अनमाइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन का है जिसपे माइलिन शीथ नहीं है. ठीक है जी, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इस एक्सोलेमा में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन में, कितने अलग अलग तरह के चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आयन एक्सचेंज संभव हो पाता है. क्लियर है जी, न्यूरॉन का इतना स्ट्रक्चर क्लियर है, मुझे जल्दी से बताइए. पुनीता ने लिखा है एक्सोलेमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन. बिल्कुल ठीक लिखा है आपने. सत्यप्रकाश जी बिल्कुल. आपको मोटिवेट करेंगे आप हमारे साथ रोजाना जुड़ते रहिए जी. राइट सत्यप्रकाश, लेकिन सेम मैसेज को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे. वेदव्यास, दीपक, राजाराम, खुशी, आनंद, चिराग, सबको क्लियर है जी. एसिटाइल कोलीन, चिराग अभी पढ़ेंगे. इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर बेटा. जहां पे एक्सॉन एंडिंग्स खत्म हो रहे हैं ना, नेक्स्ट न्यूरॉन को जिस न्यूरो ट्रांसमीटर ने संदेश देना है, मैसेज देना है, वो उसका एक एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलीन. ऐसे बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं. सोडियम पोटेशियम पंप भी पढ़ेंगे. चलिए, इतना क्लियर है आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने अभी न्यूरॉन का बताया. आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं इससे. सुनीता, आशीष, शिवानी, मिस्टर यादव, खुशी, ग्रेट जी, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आप देखिए बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने अलग अलग प्रकार के आयन चैनल्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, क्योंकि आयन चैनल्स के जरिए ही आयन्स का एक्सचेंज पॉसिबल है. ध्यान से देखिए इस एनिमेशन में, आपको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक्सॉन की, क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा, उसका एनलार्ज्ड व्यू दिखाया है. और आप देखेंगे ये बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है. बीच बीच में ये आपको जो ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये सब चीजें दिख रही हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं. जब हम चैनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, चैनल का मतलब है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. चैनल प्रोटीन ही होता है जिसके जरिए आयन या तो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं. देखते हैं जी, लिपिड बाय लेयर ऑफ एक्सोलेमा इज गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. ये जो लिपिड्स है ना, ये इंसुलेटर है, ये आयन्स का एक्सचेंज नहीं होने देंगे. लिपिड्स कहेंगे भैया हमारे थ्रू आयन्स नहीं जा सकते. सोडियम पोटेशियम, तुमको अंदर बाहर आना जाना है ना, तो एक खास रास्ता अपना लो अपने लिए. वही खास रास्ता जो है वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. सो बेटा, व्हेन यू से चैनल, आई एम राइटिंग हियर, व्हेन यू से चैनल, चैनल शब्द का मतलब है चैनल इज ट्रांस मेम्ब्रेन
प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसके थ्रू आयंस की एंट्री या एग्जिट दोनों होता है. सो लिपिड बायलेयर इज अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. सो द मेन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज थ्रू द आयन चैनल्स. ये देखिए यहां पे ब्लू कलर से आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं. जब वो आयन चैनल्स खुले हैं, व्हेन द आयन चैनल्स आर ओपन, दे अलाउ स्पेसिफिक आयन्स टू मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट उनकी कंसंट्रेशन को रेफर कर रहा है. डाउन, जहां पे वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएंगे. भाई अगर सोडियम आयन्स बाहर ज्यादा है तो सोडियम लीकेज चैनल के थ्रू वो अंदर आ जाएंगे. अगर पोटेशियम आयन्स एक्सॉन के अंदर ज्यादा है तो वो बाहर निकल जाएंगे. राइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पे भी आयन चैनल्स दिखाए गए. ये देखो बेटा, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ना, ये एक सिंपल सोडियम लीकेज चैनल्स है. चैनल्स कई तरह के हैं, लीकेज चैनल्स, लाइगैंड गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स. पहले ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है आपके लिए, तभी आप इंपल्स ट्रांसमिशन की अलग अलग स्टेजेस, पोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट, रीपोलराइज्ड स्टेट, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, ये सब समझ पाएंगे. सो इसलिए पहले ये चैनल्स की सही जानकारी होना जरूरी है आपके लिए. ओके मेरे बेटा, देखो आयन चैनल्स का खुलना या बंद होना, दे ओपन एंड क्लोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गेट्स. उन चैनल्स में विशेष प्रकार के गेट्स होते हैं. जैसे रफली मान लो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल. सो मान लीजिए ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल मैंने बनाया है और ये उस चैनल का गेट है, इसने रास्ता बंद करा हुआ है. अगर मैं पूरी बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दिखाऊं इसमें बेटा, तो ये कुछ इस तरह का होगा. आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड होता है. सो इधर देखिए, मैं आपके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन यानी एक्सोलेमा का एक छोटा हिस्सा दिखा रहा हूं. दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, और उसके बीच में जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है वो है एक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल. वो चैनल इस समय बंद है. क्यों? क्योंकि उस चैनल का जो गेट है, मैंने आपको गेट शब्द का मतलब बताना था ना, दिस इज द गेट ऑफ दैट चैनल. सो दिस गेट इज क्लोज्ड, उसने ढक्कन बंद रखा हुआ है. जब ये गेट खुल जाएगा तो पोटेशियम आयन्स जो है वो अंदर से बाहर चले जाएंगे. राइट, चैनल एक तरफा जो है आयन फ्लो को अलाउ करेगा, या तो उससे कोई चीज अंदर आ सकती है या उसके थ्रू कोई चीज बाहर जा सकती, एक ही काम हो सकता है. अगर मैंने कहा ये पोटेशियम वाला चैनल है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, तो इसके थ्रू केवल पोटेशियम बाहर जा सकता है, अंदर नहीं आ सकता. ठीक है जी. नाउ यहां पे देखिए, जैसे सिंपल आपको ग्रीन कलर से सोडियम लीकेज चैनल दिख रहा है, ये चैनल रैंडमली ओपन क्लोज होता रहता है, जो लीकेज चैनल है, और सोडियम की सिर्फ एंट्री अलाउ करता है. जो सोडियम लगातार इस चैनल के थ्रू अंदर आता है, उन्हीं सोडियम आयन्स को सोडियम पोटेशियम पंप बाहर फेंक रहे हैं लगातार. बेसिक फंडामेंटल समझते जाइए, चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको. राइट जी, युक्ता ठीक है. चलो देखो इधर जरा आगे, टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स. कितने अलग अलग प्रकार के ये आयन चैनल्स हैं. लीकेज चैनल्स, नंबर वन, लीकेज चैनल्स फर्दर दो तरह के होते हैं. देर आर सोडियम लीकेज चैनल्स, देर आर पोटेशियम लीकेज चैनल्स. ओके, नंबर टू, लाइगैंड गेटेड चैनल्स. लाइगैंड गेटेड चैनल्स का मतलब क्या है? ये वो चैनल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर लाइगैंड के रिस्पांस में खुलेंगे या बंद होंगे, जबकि जो लीकेज चैनल्स हैं ये रैंडमली ओपन क्लोज ये अपने आप होते रहते हैं. ये प्रोटीन्स हैं, ये अपनी शेप अपने आप बदलते रहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. सो ये प्रोटीन्स अपने आप अपनी शेप बदलते हैं, वो लीकेज चैनल्स हैं. परंतु जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं बेटा, वो तभी खुलेंगे जब कोई विशेष प्रकार का लाइगेंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. वो लाइगेंड कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, एसिटाइल कोलीन. जब एसिटाइल कोलीन आके बाइंड करेगा तभी चैनल खुलेगा. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये चीज पढ़ाई थी, फिर से बताऊंगा आज. सो लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन और क्लोज इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक लाइगेंड. नंबर थ्री देखते हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स.
मैकेनिकली गेटेड चैनल्स किसी प्रकार के मैकेनिकल स्टिमुलस के रिस्पांस में खुलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने मेरी फिंगर पे यहां पे टच करा, तो ये मैकेनिकल टच हुआ ना, राइट? तो इस मैकेनिकल टच के रिस्पांस में सेंसरी रिसेप्टर के चैनल खुलेंगे और इंपल्स जेनरेट होगा, और साउंड वाइब्रेशंस भी जो मैं बोल रहा हूं ये आपके मोबाइल या लैपटॉप के स्पीकर के जरिए ये साउंड वेव्स आपके कान तक पहुंच रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकरा रही है, देन मेलियस सिंकस टेप्स बोन तक जा रही है, फिर आपके कॉकलिया के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, उसके खास प्रकार के सेल्स हैं सेंसरी रिसेप्टर, उन सेंसरी रिसेप्टर से जाके जैसे ही ध्वनि की ये तरंगे ये साउंड वेव्स टकरा रही हैं, तब वहां पे रिसेप्टर्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट ये खास तरह के चैनल्स मैकेनिकली गेटेड चैनल्स खुल रहे हैं उस मैकेनिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, और साउंड वेव से नर्व इंपल्स बन रहा है। समझे आप? मैकेनिकली गेटेड का मतलब क्या है कि भाई उन्हें खोलने के लिए किसी प्रकार का मैकेनिकल स्टिमुलस चाहिए, जो कि टच हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकती, खिंचाव, या फिर साउंड वाइब्रेशंस हो सकती हैं। बताइए जल्दी से, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स आपको समझ आया जी? कनीज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, वेद व्यास, पुनीता, राजा राम, ध्रुपद, युक्ता, सत्य प्रकाश, मुनीश, आनंद, चंदन, डॉली, बताइए जल्दी से, मुझे आपके थम्स अप साइंस मिल जाने चाहिए कि आप लोगों को मैकेनिकली गेटेड चैनल समझ आ गए कि सेंसरी रिसेप्टर्स पर प्रेजेंट होंगे, जो सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलस परसीव कर रहे हैं, किस प्रकार का? टच का स्टिमुलस, प्रेशर का स्टिमुलस, साउंड वाइब्रेशंस का स्टिमुलस, राइट? क्लियर है? वेरी गुड। आपके साथ साथ लाइक्स भी आने चाहिए, आपके थम्स अप जो है वो एनर्जी का काम करते हैं मेरे लिए, राइट? ग्रेट। नेहा, सर्वेश, आनंद कह रहे एकदम क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड जी। नितिश, ग्रेट, मजा आ गया। युक्ता कह रही है गुड, अच्छे से ये कंसेप्ट समझ लो, आपको नर्व इंपल्स इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में खुद जाके बता पाओगे कि भाई हमसे पूछिए नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन क्या है। आज से पहले तो रटते थे सोडियम का इनफ्लक्स, पोटेशियम का ईफ्लक्स, अब रटना नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। वेरी गुड जी वशिष्ठ साहब, दैट्स ग्रेट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, चौथे तरह के जो चैनल्स हैं, दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये भी एक जोन की ही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एक्सोलेमा में, राइट? और ये चैनल्स वोल्टेज के बदलाव जब होगा तब खुलेंगे, राइट? वोल्टेज कैसे जनरेट होगी ये भी अब हमने देखना है। सो अभी तक आपने जितना जाना है, एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर समझे आप, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोलेमा इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो कि इंसुलेटर है, उसके थ्रू आयंस का एक्सचेंज तभी हो सकता है जब खास तरह के आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। चार प्रकार के आयन चैनल्स बताए, लीकेज चैनल्स, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, राइट? लीकेज चैनल्स के फर्दर दो सब टाइप्स बताए हैं, सोडियम लीकेज, पोटेशियम लीकेज। ऐसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी दो प्रकार के होते हैं, देर आर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, देर आर वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स सोडियम के लिए, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स पोटाशियम के लिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, लीकेज चैनल्स को समझते हैं। लीकेज चैनल्स मैंने कहा ना दो तरह के हैं, सोडियम की एंट्री के लिए सोडियम लीकेज चैनल, पोटाशियम के एग्जिट के लिए पोटाशियम लीकेज चैनल। सो दो तरह के हैं, सोडियम लीकेज, पोटाशियम लीकेज, राइट? गेट्स ऑफ लीकेज चैनल्स randomly alternate between open and closed positions. इनके गेट्स रैंडमली ऑल्टरनेट करते हैं, ये अपने आप खुलते बंद होते रहते हैं। सोडियम वाले खुले तो सोडियम एंटर हो गया, पोटाशियम वाले खुले पोटाशियम बाहर चला गया, ये लगातार एक एक्सॉन के थ्रू लगा रहता है। यही बेसिक जीवन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का एक्सचेंज लगातार चल रहा है, राइट जी? नाउ एक्सोलेमा हैज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एक्सोलेमा हैज मेनी मोर पोटाशियम लीकेज चैनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे आप उसमें एक लाइन पढ़ेंगे दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयन्स एंड इट इज नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन्स। तो इस बात का मतलब क्या है कि भाई एक एक्सॉन को जब आप देखेंगे आप पाएंगे कि उसमें
पोटाशियम लीकेज चैनल्स का नंबर ज्यादा है, सोडियम लीकेज चैनल्स हैं उनका नंबर कम है। तो यदि उस मेम्ब्रेन में पोटाशियम लीकेज चैनल्स का नंबर ज्यादा है तभी तो हम कह देते हैं द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयंस। You're getting it? When you say that the exolemma has many more potassium leakage channels than the sodium leakage channels, that means resting membrane is more permeable to potassium ions, right? और potassium leakage channels के जरिए potassium बाहर जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए इधर। अब आते हैं ब्यूटीफुल से डायग्राम्स जिससे आपके फंडे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बात चल रही है लीकेज चैनल्स की जो कि रैंडमली ओपन एंड क्लोज करते हैं। आप ये देखो, आपके सामने ये पोटेशियम लीकेज चैनल दिखाया है, ये तो है बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये आपको ऐसे कट सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ, जैसे सामने से काट के दिखाया है। तो ये चैनल आप थ्री डायमेंशनल वे में सोचिए, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, एक बॉटल की तरह लगा लीजिए, दोनों तरफ जो खुली हुई है, भाई ऊपर से कोई चीज आ रही है, अंदर अंदर से बाहर। जब आप पोटेशियम लीकेज चैनल की बात करते हैं राजा बेटा, एक चीज ध्यान दो, यहां पे लिखा है पोटेशियम लीकेज चैनल क्लोज्ड है, मेरे दूसरी तरफ देखेंगे पोटेशियम लीकेज चैनल ओपन है। अब आप एक बात ध्यान से देखो, जब पोटेशियम का लीकेज चैनल खुलता है तो पोटेशियम का मूवमेंट कहां से कहां है? इनसाइड से आउटसाइड। इधर वाली चीज को मैं ले रहा हूं एक्सॉन के अंदर का हिस्सा, दिस इज इनसाइड, और इधर मैं ले रहा हूं आउटसाइड। सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग, ये इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, क्लियर है? तो हम ये कहेंगे दैट पोटेशियम लीकेज चैनल्स अलाउ एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म टू द आउटसाइड। अगर मैंने ये एक्सॉन दिखाना हो यहां पे थ्री डायमेंशनल वे में, इधर देखिए, मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है एक्सॉन, और मैं क्या दिखा रहा हूं कि इन चैनल्स के थ्रू, यहां पे ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये देखिए कि इन चैनल्स के थ्रू पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं बेटा? ये जो एक्सॉन के अंदर है, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है दैट इज एक्सोप्लाज्म, और ये जो मेम्ब्रेन है ये है एक्सोलेमा, और जो बाहर की तरफ है यहां पे भी तो फ्लूइड होगा, एन एक्सॉन इज सराउंडेड बाय फ्लूइड ऑल्सो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ। तो हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ की तरफ जा रहे हैं। वही चीज यहां पे एनलार्ज करके आपको दिखा दी गई कि इस एक्सोलेमा को अगर एनलार्ज्ड व्यू में देखें तो ये ऐसा दिखेगा, क्लियर है इतना? पोटेशियम लीकेज चैनल्स दे अलाउ एग्जिट ऑफ द पोटेशियम आयंस, राइट जी? पुनीता, बाबू तुलसी, दीपक, अनुरेश, राजाराम, जल्दी से बताइए जी। हाँ जी, छुट्टियां मनाने नहीं जाना है, पढ़ाई का टाइम शुरू हो चुका है। सो आपको लीकेज चैनल्स का फंडा समझ आया? लीकेज चैनल्स दो प्रकार के, सोडियम लीकेज, पोटेशियम लीकेज। नंबर ऑफ पोटेशियम लीकेज चैनल्स इज मोर, सो तभी हम कहते हैं दैट द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है द मेम्ब्रेन्स परमिएबिलिटी टू पोटेशियम इज मच हायर देन इट्स परमिएबिलिटी टू सोडियम। तो सादी भाषा में कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। ध्यान रखना यह है कि जब हमने परमिएबल शब्द का प्रयोग करा, इट डज नॉट टेल यू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं कह दूं कि ये मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए, तो आप कहेंगे भाई परमिएबल तो समझ आया, पर कहां से कहां? आउटसाइड टू इनसाइड परमिएबल है, इनसाइड टू आउटसाइड परमिएबल है। तो अब यहां पर यह फंडा क्लियर हो गया कि परमिएबिलिटी से जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्लियर नहीं हो रहा वो एक्चुअल में क्या है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्यों? बिकॉज द पोटेशियम लीकेज चैनल्स अलाउ ओनली एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयंस, ठीक है? लगातार पोटेशियम एक्सॉन के थ्रू बाहर निकलता जा रहा है और बाहर का पड़ा हुआ सोडियम लगातार अंदर आ रहा है, क्योंकि इसी मेम्ब्रेन में यहां पे सोडियम लीकेज चैनल्स भी हैं। और सोडियम लीकेज चैनल्स क्या करते हैं, मान लीजिए ये सोडियम लीकेज चैनल हम दिखा रहे हैं, ये लगातार सोडियम की एंट्री करवा रहे हैं। सो सोडियम लीकेज चैनल से सोडियम अंदर, पोटेशियम लीकेज चैनल से पोटेशियम बाहर, ये कॉन्टिन्यूसली ये चीज लगातार चल रही है, ठीक है? क्लियर है इतना? लीकेज चैनल्स, राइट जी? संयोगिनी, डॉली, दीपक, माइनुद्दीन, युक्ता, आनंद, निकिता, चंदन, साहिल, वेरी गुड जी। इस प्लेटफॉर्म का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए चीजों को समझने के लिए। इतने ब्यूटीफुल डायग्राम्स और ये सब पिक्चर्स और कहीं इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। चलिए जी, लीकेज चैनल्स ओवर, दोनों समझ आ गए। अब नेक्स्ट टाइप के चैनल्स कौन से? लाइगैंड गेटेड चैनल्स।
लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या है राजा बेटा? ये देखो, ये रही वही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। अब मैंने उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाइगेंड गेटेड चैनल दिखाया है। इसकी शक्ल देखो, इसकी शेप देखो, ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये इस समय यहां पे बंद है, लाइगेंड गेटेड चैनल क्लोज्ड। ये वर्ड देखो, क्लोज्ड है ना। अब इसे खोलना है, जब खोलने के लिए क्या चाहिए होगा, देखो इधर, इसको एक पर्टिकुलर लाइगेंड जुड़ना चाहिए यहां पे आके। यहां पे हमने लाइगेंड क्या दिखा दिया है, एसिटाइल कोलीन। ये देखिए, यहां पे लाइगेंड का काम कर रहा है ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलीन। जब एसिटाइल कोलीन इस चैनल से बाइंड करेगा तो चैनल के द्वार खुल जाएंगे, सोडियम की एंट्री हो जाएगी। तो यानी एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर जो होता है, जो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ा था ना, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मोटर एंड प्लेट, जहां पे एसिटाइल कोलीन जाके एक्ट करा, वहां पे हमने टर्म यूज किया था कि एसिटाइल कोलीन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर्स। तो ये वही तो हुआ, हम ये कह सकते हैं ना, एसिटाइल कोलीन अपने जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है वह एक प्रकार का लाइगेंड गेटेड चैनल है। जैसे ही एसिटाइल कोलीन बाइंड करा, आप देखो ये रास्ता खुला यहां से, और इसके खुलते ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस की एंट्री हो गई। क्लियर है, राइट? लाइगेंड गेटेड चैनल पढ़ूं इसके बारे में, लाइगेंड गेटेड चैनल ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलस। उस केमिकल को लाइगेंड कहते हैं, वो लाइगेंड कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल लाइगेंड्स, जैसे कि हार्मोन हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, एंड पर्टिकुलर आयंस कैन ओपन और क्लोज दीज चैनल्स, राइट? लाइगेंड के जुड़ने से हो सकता है चैनल बंद हो जाए, पहले खुला हुआ हो, ये भी हो सकता है लाइगेंड के जुड़ने से वो खुल जाए। क्लियर है जी, लाइगेंड गेटेड चैनल, इज इट क्लियर टू यू? राइट, लाइगेंड गेटेड चैनल क्लियर है जी? दीपक, युक्ता, रहमान, मैनुद्दीन, शिवानी, मयूरी, पुनीता, खुशी, दीपक, सबको क्लियर है? बताइए मुझे। सत्य प्रकाश कह रहे हैं जी बहुत मजा आ रहा है उसमें, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर पुनीत भारद्वाज, मुझे बताइए मेरे बेटा कि लाइगेंड गेटेड चैनल का फंडा क्लियर हो गया? जो लीकेज चैनल थे भाई, वो तो अपने आप खुलते बंद होते रहते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। लाइगेंड गेटेड चैनल कहते हैं हम तभी खुलेंगे जब एक विशेष प्रकार का लाइगेंड आके हमें ये संदेश देगा कि भैया तुम खुल जाओ, तो वो एसिटाइल कोलीन हो जाता है। यहां पर कई जगहों पर हॉर्मोन्स हो सकते हैं। वेरी गुड, सब कह रहे हैं जी क्रिस्टल क्लियर है, दैट्स रियली नाइस, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तरफ से लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए, वीडियो को शेयर जरूर करना है आपने। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके कमेंट्स भी आने चाहिए नीचे यूट्यूब के कमेंट्स वाले बॉक्स में, एंड आप अपने सोशल मीडिया पे हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ हमारे ये लेक्चर्स वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, युक्ता पूछ रही है बंद कब होगा। युक्ता बेटा आप याद करो, एसिटाइल कोलीन जब अपना काम कर लेता है तो एसिटाइल कोलिनस्टीरेस एंजाइम होता है जो उसे तोड़ देता है, राइट? तो हर तरह के लाइगेंड को हटाने का तरीका भी है वहां से, नहीं तो चैनल लगातार खुला रहेगा। क्लियर है फंडा? वेरी गुड, 283 पीपल, जल्दी से नंबर बढ़ाइए, इसको 300 पार करा दीजिए, मजा आ जाएगा। चलो ग्रेट, सो अभी तक आपने दो तरह के चैनल समझ लिए, लीकेज चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल। अगला चैनल बताने जा रहा हूं, मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड का तो मैंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, भाई मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, आपके कॉकलिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई के सेंसरी सेल्स को जब ये साउंड वेव्स टकरा रही हैं तो आपके वो चैनल्स खुल रहे हैं और नर्व इंपल्स आपके ब्रेन तक जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्लाइड पे, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स का खुला होना और बंद होना दोनों पोजिशन दिखाई गई हैं। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स क्लोज्ड हैं, उसका जो ढक्कन है ऊपर वो बंद है। जब ढक्कन खुल जाएगा ऐसे तो इसका मतलब है कि वो चैनल खुल गया है, राइट? सो पढ़ते हैं इधर, मजा आ रहा है मुझे स्क्रीन देख के, आपके ढेर सारे हार्ट्स एंड थम्स अप साइंस एंड लॉट मेनी थिंग्स यू आर सेंडिंग, मजा आ गया जी। आनंद कह रहे हैं उनको ये चैनल पसंद आ गया है। ग्रेट, these channels open or close in response to mechanical stimulation in the form of, देखो mechanically gated है तो भाई mechanical stimulus के हिसाब से खुलेंगे, तो mechanical stimulus क्या क्या हो सकते हैं उसकी उदाहरण दी हुई है यहां पर, example है, vibration and touch हो सकता है, जैसे छुआ है किसी ने इस प्रकार से तो किसी का ये छूना भी तो महसूस हो रहा है ना, क्योंकि mechanically gated channels खुले, impulse आगे गई।
प्रेशर एंड टिश्यू स्ट्रेचिंग, ये अलग अलग प्रकार हैं उस मैकेनिकल स्टिमुलस के, ठीक है जी। तो ये मैकेनिकली गेटेड चैनल कहाँ होने चाहिए? ये किसी एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर तो नहीं होंगे। सोच के देखिए, एक न्यूरॉन ने, मान लीजिए मेरा हाथ न्यूरॉन है, ये मेरा जो आर्म है ये एक्सॉन है, और हाथ सेल बॉडी और ये डेंड्राइट, तो भाई डेंड्राइट पर ही तो स्टिमुलस परसीव होगा ना, सेंसरी रिसेप्टर की डेंड्राइट्स पर परसीव होगा और फिर वो आगे जाएगा। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं। ग्रेट जी, राइट, बढ़े आगे। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकली गेटेड चैनल्स आर, जैसा कि एक एग्जाम्पल तो बेटा जी आपको मैंने बता ही दिया, ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन द ईयर, हमारे कान में जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, रिसेप्टर्स दैट मॉनिटर स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, टच रिसेप्टर्स एंड प्रेशर रिसेप्टर्स इन द स्किन, हमारी स्किन में टच रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, राइट। ये सभी एग्जांपल्स हैं जहां पे मैकेनिकली गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं, राइट। पुनीता, क्लियर है? सत्य प्रकाश कह रहे हैं बेस्ट एग्जांपल, थैंक यू। नाउ अब आते हैं राजा बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स तब खुलते हैं जब वोल्टेज में बदलाव होता है। ये एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही है, एक्सोलेमा में ही है। अ वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बदलाव हुआ तब ये चैनल्स खुलेंगे। दीज पार्टिसिपेट इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी दो प्रकार के हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। देख सकते हैं आप दोनों प्रकार लिखे हैं यहां पे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। तो चारों तरह के चैनल्स मैंने आपको समझाए, क्लियर हुए हैं चारों तरह के चैनल्स? मीनाक्षी जी, चारों तरह के चैनल्स आपको क्लियर हुए हैं? सुनील बिल्कुल समझेंगे, सुनील चटर्जी थोड़ा थोड़ा सा इंतजार कीजिए बेटा, सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अननेसेसरी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फायदा नहीं है। मेरे जवाब का इंतजार कीजिए कि जो आप पूछ रहे हैं सवाल वो अभी समझाया जाएगा। अगेन आपने फिर वही काम करा है। देखिए वोल्टेज गेटेड चैनल, राजा बेटा ये है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, मैंने थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था। देखो हर तरह के चैनल की शक्ल भी अलग तरह से दिखा रहा हूं। ये है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, यहां पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल बंद है। ये देखो बॉल जैसी चीज हमने इसमें फंसी हुई दिखाई ना, तो ये दिखाने का एक तरीका है बस कि भाई ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, ये क्लोज्ड है। यहां पे हम देखते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गया, और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के खुलते ही पोटेशियम कहां से कहां गया है ये ध्यान रखना जरूरी है, इनसाइड टू आउटसाइड। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के खुलते ही इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। अगर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता तो सोडियम की एंट्री अलाउ करता। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के थ्रू पोटेशियम इनसाइड टू आउटसाइड जाता है। ऐसा ही लीकेज चैनल्स में भी था। ये तो वोल्टेज गेटेड है, एक सिंपल वाले लीकेज चैनल बताए थे, सोडियम लीकेज चैनल, एंट्री ऑफ सोडियम, पोटेशियम लीकेज चैनल, एग्जिट ऑफ पोटेशियम, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, एग्जिट ऑफ पोटेशियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, एंट्री ऑफ सोडियम। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस चैनल के थ्रू चीजें अंदर आ रही हैं या चीजें बाहर जा रही हैं, ठीक है जी, क्लियर है? ग्रेट, आगे देखते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या मतलब है? अब आप चारों प्रकार के चैनल्स तो समझ गए भाई अच्छी तरह से, कि मान लीजिए ये एक एक्सॉन है, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किन किन अलग अलग तरह के चैनल्स होते हैं। नंबर वन लीकेज चैनल्स, सोडियम लीकेज फॉर एंट्री ऑफ सोडियम, पोटेशियम लीकेज फॉर एग्जिट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम लीकेज चैनल्स आर मोर इन नंबर, that is why we say that the resting membrane is more permeable to potassium ions, right? Sodium leakage channels होते हैं, उनका number कम होता है। ये तो हो गए एक तरह के channel। Number two, दूसरे तरह के channel जो exolemma में होंगे, exolemma में दूसरे तरह के जो channels present होंगे वो है voltage gated channels, voltage gated sodium channels,
voltage gated potassium channels. Remember, mechanically gated channel, जो mechanical stimulus के response में खुलते हैं, वो axolemma में नहीं है, वो मैंने बताया, sensory receptors में है. भाई, axon की plasma membrane पे आके थोड़े ना mechanical stimulus strike करेगा. अगर आपने touch भी करा है, तो sensory receptor के through stimulus गया ना, तो वो जो mechanically gated है, वो sensory receptors पर होते हैं. और जो ligand gated है, वो वहाँ पे है, जहाँ पे neurotransmitter ने act करना है. मान लो ये एक neuron है, इसका दूसरे neuron के साथ synapse है, तो dendrite पर प्रेजेंट होंगे वो ligand gated वाले, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ने जाकर के पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे एक्ट करना है, तो सेल बॉडी के साथ सिनेप्स हो सकता है, डेंड्राइट के साथ हो सकता है, समझे आप. तो यहां पे मुख्य रूप से जो दो चैनल्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगे लीकेज चैनल्स, सोडियम लीकेज, पोटेशियम लीकेज, और दूसरे क्या होंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स. इतनी बात क्लियर है सबको जी, राइट. वेद व्यास जी, क्या डाउट हो गया, आपने लिखा क्लियर करें, डाउट हो रहा है, उस डाउट को भी तो बताइए, डाउट क्या है. हाँ जी, खुशी कह रही है क्लियर है, नैन्सी, आनंद, संयोगिनी, पुनीता, सुनील चटर्जी कह रहे हैं डायमंड क्लियर, वेरी गुड जी, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, मजा आता है. डॉक्टर ऋषिकेश क्लियर है, आनंद, सचिन शर्मा, संयोगिनी, खुशी, खुशी कह रही है रिपीट अगेन, रिपीट करा जाए तो क्या करा जाए, वो भी तो बताइए, कौन सी चीज रिपीट करूं. आप रिपीटेड लेक्चर सुन सकते हैं दोबारा, जैसे ही अपलोड हो जाएगा आप उसे दोबारा देख सकते हैं. चलो जल्दी से समझ लो मेरी बात, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या मतलब है. भाई एक जो एक्सॉन है, ये रहा मान लो एक्सॉन, यू कनेक्ट सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, मान लो वो इंपल्स कैरी नहीं भी कर रहा, आप सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करो, आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा -70 मिलीवोल्ट्स का ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इनसाइड ऑफ द एक्सोलेमा इज नेगेटिवली चार्ज्ड. एक्सोलेमा के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है. जब एक न्यूरॉन कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, वो शांतिपूर्वक बिल्कुल पड़ा हुआ है ऐसे, आप सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगाइए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा, दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स. क्लियर है. अब हमने यही सारी कहानी समझनी है कि ये -70 मिलीवोल्ट्स क्यों है, कौन से कारण है उस एक्सोलेमा में जिसके कारण ये -70 मिलीवोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. देखते हैं जी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल बिल्डअप ऑफ नेगेटिव आयन्स इन द साइटोसोल अलोंग द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. मैंने कहा ना, इनसाइड नेगेटिवली चार्ज्ड, आउटसाइड पॉजिटिवली. मान लो ये एक एक्सॉन दिखा रहा हूं आपको ऐसे, रेस्टिंग वाली स्टेज में इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट. इनसाइड नेगेटिवली चार्ज्ड, आउटसाइड ऑफ एक्सोलेमा पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये एक नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज है, कोई इंपल्स कैरी नहीं हो रही. हमने कारण यहीं से समझना है कि भाई ये इनसाइड नेगेटिव क्यों है, आउटसाइड पॉजिटिव क्यों है, और इस -70 मिलीवोल्ट का कारण क्या है. देखते हैं. सच अ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज मेजर्ड इन वोल्ट्स और द मिलीवोल्ट्स. अब आप ये देखो, यहां पे आपको एक्सोलेमा दिखाई गई है, ये लिखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, an electrical potential difference across the plasma membrane of the axon. Sodium, potassium, ये सब ions बाहर भी हैं, ये सब ions अंदर भी हैं. अगर मैं बाहर की बात करूं, यहाँ पे extra cellular fluid में, there are sodium ions, there are potassium ions, there are chloride ions, यही सब ions अंदर भी हैं. सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, क्लोराइड भी है, फॉस्फेट आयन्स भी हैं, बाइकार्बोनेट आयन्स भी हैं. सवाल ये उठता है कि आयन्स अंदर बाहर दोनों जगह हैं, भाई फिर भी ऐसा क्यों है कि इनसाइड इज नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव, राइट जी. चलिए देखते हैं कि क्या कारण है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स. द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको ना ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह देते हैं. Resting membrane potential is also called transmembrane potential. A resting membrane potential that ranges from -40 to -90 millivolts. अलग-अलग तरह के न्यूरॉन में इतना होता है. एक टिपिकल वैल्यू जो हम लेते हैं, that is -70 millivolts. ठीक है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिव इन रिलेशन टू द आउटसाइड.
A cell that exhibits a membrane potential is said to be polarized, right? So, ये रहा जैसे हमारा axon, right beta? और मैंने कहा inside is negatively charged, outside is positive. If you connect sensitive micro electrodes, you will find that the potential difference of minus 70 millivolts exists, right? इसका कारण जानना है हमने. क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये माइनस 70 मेंटेन्ड है. और फिर आप कह रहे हैं अंदर सोडियम कम है, कोई कह रहा है पोटेशियम कम है, यही सब चीजें हमने समझनी है कि इसका कारण क्या है. देखो मेरे राजा बेटा, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तीन मुख्य कारण है. पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, unequal distribution of ions in the extracellular fluid and cytosol. By ion, sodium, potassium, chloride अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, but distribution unequal है. Number two, inability of most anions to leave the cell. कई प्रकार के ऐसे anions हैं जो कि exoplasm को छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकते. Negatively charged immobile protein ions, phosphate ions. तीसरी बात, electrogenic nature of the sodium potassium ATPases, जिसको हम short में sodium potassium pump भी कहते हैं. So, ये तीन फैक्टर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं जिसके कारण से इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव. मैंने अपने पीछे सोडियम पोटेशियम पंप आपको दिखाया है. सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या कर रहा है, आप देखिए, तीन सोडियम आयंस को पकड़ के बाहर फेंक रहा है और उसके साथ साथ दो पोटेशियम आयंस को अंदर ला रहा है. लगातार ये सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है और इसे ये काम करने के लिए एटीपी चाहिए. यहां पे आप देख रहे हैं एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन. इतना क्लियर है जी, राइट? सत्य प्रकाश कह रहे हैं कि आपका लेक्चर्स पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी बहुत आसान हो जाएगी. बिल्कुल जी, एनसीईआरटी बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि हर फंडामेंटल को बिल्कुल मैंने क्रिस्टल क्लियर करके आपके दिमाग के कपाट खोलने की कोशिश करी है. तो आज केवल हमने इतना जाना है, सुनिए सना, आज केवल हमने इतना जाना है कि किस प्रकार से अलग अलग तरह के आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं. इंपल्स का ट्रांसमिशन का ये टॉपिक अगली क्लास में कंटिन्यू रहेगा. ये जो तीन फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, इन्हीं तीनों फैक्टर्स को आगे हमने डिस्कस करना है. मैं आपको जल्दी से स्लाइड दिखाता हूं. पहले हम डिस्कस करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस जो है उसके कारण क्या हो रहा है, राइट जी? फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कौन से आयंस है जिनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक्सोलेमा को क्रॉस कर पाए. उसके बाद हमने ये जानना है कि सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार से काम कर रहा है, राइट जी? ठीक है, इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है उस पंप का. ग्रेडेड पोटेंशियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि माइनर डेविएशंस होती हैं. और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जेनरेट होता है. ठीक है जी, क्लियर है इतना, राइट? सो ये वाली चीजें हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही है. आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर और आपको बेसिक जो है वो चीज समझ आई. आज सिर्फ न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सोलेमा के आयन चैनल्स और उन चैनल्स के थ्रू क्या हो रहा है. और अगली क्लास में हम कहानी शुरू करेंगे कि किस प्रकार से स्टिमुलस मिलने पर वो इंपल्स जेनरेट होती है. सो विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. आपके लाइक्स का हमें इंतजार रहेगा एंड टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना बहुत जरूरी है. जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे. और एक बड़ी खूबसूरत बात, इस चीज के पूरे पीडीएफ नोट्स जो हैं, जो मैंने ये ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए, ये सब आपको मिल जाएंगी जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा, ये आप तक पहुंच पाएंगी, पहुंच जाएंगे. ठीक है जी, हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ हमारा ये लेक्चर जो है आप टैग कर सकते हैं. ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं, इंजीनियरिंग के लिए जेई, मेडिकल के लिए नीट जिस पे आप इस समय मौजूद हैं, और जूनियर क्लासेस के लिए नाइन्थ एंड टेंथ के लिए फाउंडेशन चैनल, राइट जी? चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं. कहीं दूर मत जाइएगा, आपकी फिजिक्स की क्लास होने वाली है. तब तक के लिए शबा खैर, नमस्कार, बाय बाय.